जेनेटिक या अनुवांशिक कारण सीएचडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सी ऐसे रिसर्च हो रही है जिससे धीरे धीरे नई जीन्स का पता चल रहा है जिनका संबंध कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट से पाया जा रहा है। क्रोमोसोम्स की खराबियां लगभग 8 से 10% सीएचडी का कारण हो सकती हैं। इसमें क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी या उनकी संख्या में जो खराबी होती है वो सबसे कॉमन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21, जिसमें लगभग 50% बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट पाया जा सकता है। इसके अलावा कई जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसे टर्नर सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम एवं अन्य जिसमें सीएचडी का खतरा नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। तो अगर माता पिता के परिवारों में किसी तरह की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की अगर कोई हिस्ट्री है तो उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने टेस्ट और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट की स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। धन्यवाद।